आज हम बनाएंगे बासुंदी। सो बासुंदी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसके बाद मिल्क मेड लिया है, शुगर और इलायची की पाउडर करके ली है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, वो मैंने अच्छे से चॉप कर लिए हैं। बासुंदी बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है और इस पैन में हम 1 लीटर दूध लेंगे। यहाँ पे हमारा दूध फटने जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। अब हम चम्मच के हेल्प से दूध को हिलाते रहेंगे। हमने यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई ही रखा है, एक उबाली आने तक हम गैस हाई कर देंगे, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम दूध अच्छे से उबाल लेंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें मिल्क मेड ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम मिल्क मेड यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा शुगर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं रहती, और इलायची पाउडर में वैसे भी हमने शुगर थोड़ी सी पीस ली है। सो मिल्क मेड डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स होने के बाद हम उसे अच्छी तरह से और 10-15 मिनट हिलाते रहेंगे। हमारा दूध अब गाढ़ा होने लगा है, कम होने लगा है। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, हमारा दूध भी काफ़ी कम हो रहा है। सो इसे हम अच्छे से फिर से हिलाते रहेंगे और 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 35-40 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम यहाँ पे इलायची और शुगर का जो पाउडर बनाया था वो हम मिक्स कर देंगे और उसे अच्छी तरीके से हिला लेंगे। अब हमारा यहाँ पे दूध अच्छे से उबाल चुका है और इसमें हम चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और हमने थोड़े से बाकी रखे हैं गार्निशिंग के लिए, और उसे ये अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब आप देख सकते हो हमारी बासुंदी ऑलमोस्ट रेडी होने को आई है और हम 5-10 मिनट के लिए उबाल लेंगे तो हमारी बासुंदी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमारी बासुंदी हो चुकी है, हम गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी बासुंदी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हो इसका थिकनेस। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।